भारतीय महिला सुरक्षा संघ ने बिजली बिल, स्कूल फीस, महिला समूह लोन की 3 माह की माफी को लेकर सौंपा ज्ञापन। आज तारीख 18 जून 2020, भारतीय महिला सुरक्षा संघ ने बिजली बिल, स्कूल फीस एवं महिला समूह लोन की 3 माह की किश्त माफी को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी प्रियंका वरुण ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील की कि टोरेंट के बिल, स्कूल की फीस, महिलाओं के समूह लोन की किश्त 3 महीने की माफ की जाए, क्योंकि लॉकडाउन के चलते गरीब मजदूर असहाय रोजी रोटी को मोहताज हैं। छोटी छोटी बैंकों ने महिलाओं के समूह लोन के रूप में लोन दिया हुआ है, इसको असहाय लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए माफ किया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका वरुण ने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ज्ञापन सौंपा है जिलाधिकारी महोदय जी को और मांग करते हैं कि कोरोना महामारी संकट में जो जनता जूझ रही है भुखमरी के कगार से और जो समस्याएं आ रही हैं उसमें सरकार को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि 3 माह का जो भी टोरेंट पावर का बिल है, जो जन समूह किस्त हैं, जो बच्चों की स्कूल की फीस है, वो तत्काल प्रभाव से माफ की जाए जिससे कि जनता को राहत मिले। और ये जो कोरोना महामारी है ऐसी नहीं जाने वाली और घंटा संग मृदंग बजाने से नहीं जाएगी। तो देश के प्रधानमंत्री जो 56 इंच की सीना की बात करते हैं, 56 इंच का सीना नहीं, वो 56 इंच की जवान से बोलना जानते हैं, लेकिन गरीब जनता का असहाय लोगों का मदद करना नहीं जानते। अगर आप जनता के इतने ही हितैषी हैं तो आप पूर्ण रूप से मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और सभी प्रदेशों में उनको लागू करने के लिए कहिए कि 3 माह के बिजली का बिल, टोरेंट पावर का बिल या आपकी जन समूह किस्त है, जो बच्चों की फीस है, वो तत्काल प्रभाव से माफ की जाए। अगर नहीं की जाती है तो भारतीय महिला सुरक्षा संघ भूख हड़ताल करेगा, सैकड़ों महिलाओं के साथ करेगा, जिसका जिम्मेदार केवल शासन व प्रशासन व सरकार होगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। प्रियंका, एक आप सागर थाना में एक 188 मुकदमा लिखा गया था इसी धरने को लेकर, आप आगे क्या मुकदमे के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, 3 जून को हमने टोरेंट पावर को लेकर के प्रदर्शन किया था जिसमें कि 188 के धारा में मुझे मुकदमा लगाया गया और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर गरीब असहाय जनता की आवाज उठाना गुनाह है तो मैं एक बार नहीं हजार बार गुनाह करूंगी और बार बार करती रहूंगी, क्योंकि मैं अपने सभी देश के नागरिक, सभी भाइयों के साथ हूँ। क्योंकि ये कोई आम जनमानस, एक व्यक्ति नहीं, व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। जब से लॉकडाउन हुआ है कोरोना महामारी में हर व्यक्ति नागरिक इस समस्या से जूझ रहा है। टोरेंट पावर जो है उनका खून चूसने का कार्य कर रही है, क्योंकि टोरेंट पावर कंपनी राहत कोष, प्रधानमंत्री में राहत कोष दे सकती है लेकिन गरीब जनता का बिल माफ नहीं कर सकती है, क्योंकि उन्होंने राहत कोष प्रधानमंत्री को देने के बाद एक एग्रीमेंट कर लिया है कि आप जनता का खून चूस कर उनसे बिल निकाल करके काम करेंगे। तो ऐसा कतई नहीं होगा। अगर हमारी मांगे नहीं पूर्ण की जाती है तो मीटर उखाड़ने का कार्य किया जाएगा। 3 महीने का बिल मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करती हूँ जनता को कि 3 महीने का बिल कोई भी जनता आगरा की नहीं भरेगी। इससे अगर आप जूझ रहे हैं तो आपको साथ मिलाकर के कंधे से कंधा साथ देना होगा।